हेलो जी, मुझे कहते हैं जी हीरा मानी, छोटी मोटी एक्टर और एक स्ट्रॉन्ग मदर, सुपर वुमन, अपने वो मियां बच्चू, ये भी अच्छा। हीरा मानी, अच्छा हीरा मानी क्या है? सच्ची ठोस रियल खातून हो चुकी हूँ यार। कभी लड़की थी, जो मिलेगा सच मिलेगा, सच के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जो आता है आता है, जो नहीं आता वो नहीं आता, भाई माफ कर दो। मैं सबसे पहले स्क्रिप्ट पढ़ के डायरेक्टर से मिलती हूँ, फिर जब डायरेक्टर बता रहा होता है तो मैं उसको नोट कर रही होती हूँ, मैं उसको जज कर रही होती हूँ, मैं सोच रही होती हूँ कि ये कितना इंटेलेक्चुअल है और ये कितना इस फजूल के स्क्रिप्ट को भी शानदार बना सकता है। लोग स्क्रिप्ट के पीछे भागते हैं, लेकिन मुझे लगता है कैप्टन ऑफ द शिप डायरेक्टर होता है। और जब मैं डायरेक्टर को देखती हूँ कि हाँ यार ये कैपेबल है और ये इंटरेस्टेड है और ये अपनी चीज़ को कमाल कर देगा, तो फिर मैं वो प्ले कर लेती हूँ। यस, उसमें बस एक्टिंग मार्जिन होना चाहिए। मुझे ये नहीं है कि यार जो है वो कैरेक्टर बहुत ज़्यादा कुछ सिखा के जाए। आजकल कोई किसी से कुछ नहीं सीख रहा, सब अपने एक्सपीरियंस, मैं भी उनमें से ही हूँ। लेकिन काम होना चाहिए ऐसा कि लोगों को मेरे नाम से मेरा कैरेक्टर याद रह जाए। मेरा ये पॉइंट होता है बस, और ज़्यादा कुछ मानी इनके सफ़र में। क्योंकि मज़े की बात है कि मानी तो मेरा रियल लाइफ को स्टार है, जो मुझे बहुत पसंद है और जो मुझे हमेशा पसंद रहेगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे मानी इसलिए भी बहुत पसंद है क्योंकि वो बहुत अच्छा एक्टर है यार। मैं आजकल जो काम कर रही हूँ बहुत मज़ा आ रहा है। नए लोग हैं, मज़े का काम करते हैं, अच्छा सीखने को भी मिलता है। लेकिन मानी एक कमाल एक्टर है। कितने एक्शन के बाद आप स्टिफ हो जाते हैं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो एक्शन के बाद खुलता है एक्शन। मैं नॉर्मल एक बंदे को, मैंने नॉर्मल होते थे ना एक्शन के बाद, मैंने अक्सर लोगों के पीछे ब्लास्ट देखे हैं, बकायदा धमाका होता है, ऐसे हो जाते हैं। लेकिन मानी रिलैक्स हो जाता है, तो मुझे मानी की बड़ी अच्छी चीज़ लगी है। हाँ, और वैसे को एक्टर सारे बड़े अच्छे थे, अरशद खान, इमरान अशरफ, अली अब्बास और मुझे नहीं याद आ रहे, सारे बड़े टिका के एक्टर्स हैं हमारे, ऐसी बात नहीं है। यार कॉमेडी तो मेरी रगों में बसी हुई है, कॉमेडी तो मेरी जान थी। कॉमेडी से जो मुझे निकाला ना जिन लोगों ने, उनको तो अल्लाह पूछेगा। कॉमेडी तो ज़िंदगी है। अभी मैंने, जब मैं टेलीफिल्म करती हूँ बहुत सीरियस एक्टिंग के बाद ना, जब आप इस तरह के डायलॉग बोलना शुरू हो जाते हैं, जब आप बिल्कुल जो मैं कर रही हूँ, जो आप लोग देख रहे हैं, तो वो भी एक काम है। लेकिन कॉमेडी रूह की ग़िज़ा है मेरे लिए, तो मैं कॉमेडी बहुत मिस करती हूँ। और कभी कभी मैं कोई मूवी भी करूँगी ना, तो वो कॉमेडी ही होगी, क्योंकि बहुत मैं रो ली यार 2 साल से। बस 2-3 स्क्रिप्ट, बाय द वे झूठ नहीं है, मुझे फलाना स्क्रिप्ट ये सच है। मुझे एक तो मेरी अपनी फिल्म है जो मैंने और ईसा और मानी ने प्रोड्यूस की है, कोकोनट प्रोडक्शन से, जिसमें शहरोज और सायरा है। वो मूवी भी मैं सायरा के साथ करने लगी थी, लेकिन वो मैंने नहीं की। एक और स्क्रिप्ट मुझे ऑफर हुई थी, जिसमें एक और मूवी थी, वो भी मैं करने लगी थी, वो भी मैंने नहीं की। तो मुझे लगता है मूवी के लिए अभी मैं थोड़ा सा वेट कर लूँ, थोड़ा और मैच्योरिटी आ जाए, सज्जल वाले जुमले बोलने आ जाए, फिर करूँगी मूवी इंशाल्लाह। यार ये सवाल तो आप पता है किसी ऐसे से पूछते हैं। एक्चुअली मैं जो हूँ वो बहुत डिफरेंट करना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल वो नहीं हूँ जिसकी कोई 3 चीज़ें छुपी हुई हो। सबको मेरे बारे में सब पता है। उमर शरीफ बाप है भाई, सब डैडी तो डैडी होते हैं ना। हाँ, एक चीज़ जो मेरा दिल बना देता है ना, वो इब्राहिम है। अचानक से आके मेरे पाँव प्यार करेगा, मामा पाँव पे प्यार करेगा। अभी उसको मेरी, मैं चप्पल दिखा दूँ, उसको मेरी चप्पल बहुत पसंद है और वो कहता है मामा कितनी सॉफ्ट है। और आज ही मैंने चप्पल पहली दफ़ा पहनी है और वो ऐसे से कर रहा था अपने घर में। मैंने कहा बेटा चप्पल है क्या करो। तो इब्राहिम को मेरी चीज़ों से बहुत प्यार है, वो कहता है आपको कितनी सॉफ्ट स्किन है। तो वो बस कभी कभी आप एक लड़की की तलाश में होते ना कि यार ये लड़का होगा जो आपके लिए ये करेगा, ये बोलेगा।
तो वो तो कभी भी नहीं मिलता आपको, लेकिन वो आपको आपके बच्चों की सूरत में मिल जाता है। तो इब्राहिम उसे बहुत प्यार करता है, इब्राहिम है जो मेरा दिन बना देता है। थैंक यू इब्राहिम। यार किसी का भी बुरा मूड और किसी की भी वालेकुम अस्सलाम, ये मुझे ऑफ कर देती है। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम जी, सॉरी। जब आप किसी पूछते हैं आप कैसे, एक्सक्यूज मी, ये तो मुझे लगता है क्या है यार, मार दो ऐसे लोगों को, मैं कटल के मिल जाती हूँ ऐसे लोगों को। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, ये सिर्फ नूर बोलती थी लेकिन मैं इस पर बिलीव करती हूँ। कहाँ चली गई मैं नूर मॉर्निंग शो? अब नूर ने हिजाब कर लिया बाय द वे, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि नूर फिर कोई मॉर्निंग शो करेंगे और कहेंगे खुश रहो, खुशियाँ बांटो। यस अच्छा। मेरी एडिक्शन यार, मेरी एडिक्शन, हाँ एक चीज़ कह सकती हूँ कि किसी को भी नहीं पता, कोई ड्रग्स नहीं लेती मैं, डांस बहुत करती हूँ। और डांस जब हो रहा होता है, इनफैक्ट मेरे अपने माइयों में मेरी तीन खालें ऐसे गेट पे खड़ी हुई थी और बाहर म्यूज़िक चल रहा था और सारे कजन्स परफॉर्म कर रहे थे और मैं बस ढूंढ रही थी कि मैं कैसे बाहर जाऊँ, ढोली तारो ढो रंग दिला, ऐसे हो रही थी मैं। तो मेरी एडिक्शन जो है वो डांस है, तो मैं बहुत बिल्कुल सोचने की बात नहीं है, ये तो फॉरेन हैबिट्स आया था ऑब्वियसली। लव मनी तो आप बना ही लेते हैं। ओह माय गॉड, मुझे सिडनी कोई फेवरेट वेकेशन स्पॉट नहीं है यार। मैं मुझे लगता है कि आप अगर खुश हो ना तो आप किसी चाट की दुकान में बैठ के खुश हो सकते हैं। आपको स्पेशली टिकट करा के अमेरिका जाने की ज़रूरत नहीं है, अमेरिका जाके भी और फेवरेट स्पॉट जाके भी आप सैड हो जाते हैं। तो आई थिंक फेवरेट स्पॉट आप खुद होते हैं। अच्छा एक्टर फीमेल, मेल एक्टर हॉटेस्ट फवाद खान, सॉरी मानी इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है यार, फवाद खान यार सारी। वैसे माशाल्लाह जो इंस्टाग्राम में जो तस्वीरें हैं वो मैं बीट नहीं कर पाई आज तक, उन सबों को सारी माशाल्लाह से हॉट हैं। स्पेसिफिकली हॉट यार मुझे तो माहिरा बहुत हॉट लगती है, बिल्कुल बिरयानी नहीं बर्गर। इमरान अशरफ अबे जानी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सर्दी गर्मी का मेरा कोई इशू नहीं है, मैं नेचर लवर हूँ। लाइट भी चली जाएगी मुझे, मैं गहरी नींद में सो जाती हूँ, मेरा वो प्रॉब्लम है, जैसी लाइट जाती है हिरा सो गई, और हिरा सोई भी जब तक लाइट नहीं है, मुझे सर्दी गर्मी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। म्यूज़िक में वो म्यूज़िक जो मेरे कानों को सुकून दे, चाहे वो वाला हो या वो वाला हो। अच्छा मेरा फेवरेट डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा, पाकिस्तान से सारे। वो बीते दिन याद है, वो परचन याद है, गुजारे तेरे संग जो, लगा के तुझे अंग जो, वो मुस्काना तेरा, वो शर्माना मेरा, दिसंबर का समा, भीगी भीगी सर्दियाँ, सूरज की किरणों से बनता है चेहरा तुम्हारा, एक यही चेहरा है मेरा जीवन सहारा, आंखें तेरी मेरी नदियाँ, पलके किनारा, लाखों दुखों में अकेला।